दशसर्वपूर्वे विवादिनोषाङ्गे निमित्ते वीर्यं स्वस्तिक्रियासु परमर्षयोना जङ्घानलस्त्रीनिफलाम्बुतन्तु प्रसन्नबीजाङ्कुरचारणवा नभुङ्गनस्वैरविहारिणा च स्वस्तिक्रियासु परमर्षयोना निम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता प्रतिनो गरिम्नि मनोवभुवर्गे निषजनितम् स्वस्तिक्रियासु परमर्षयोना सकामरूपी त्ववशित्वमेषम् प्राकाम्य मन्थर्तिमथाप्तिमात्मा तथा प्रदेघात् गुण प्रदान स्वस्तिक्रियासु परमर्षयोना दीप्तञ्च तप्तञ्च तथा महोग्रम् घोरं तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्म परम घोर गुण चरन्तम् स्वस्तिक्रियासु परमर्षयोना आमर्ष सर्वो क्षदयस्ततासीत् विषम विषा दृष्टि विषम विषाश्च सकल वृजल्यमलोषदेशा स्वस्तिक्रियासु परमर्षयोना क्षीरं स्रवन्त्रोत्र घृतं स्रवन्तो मधुस्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्ता अक्षिनियालयमानस आदि स्वस्तिक्रियासु परमर्षयोना ऊपर से आया ये तार ये घर खाली करो अरे गुरुवर कहे संदेश आत्म कल्याण करो हे उदक चंदन तंडुल पुष्पके चरु सदीप सुधूप फलार्घ्य के दवल मंगल गाने रे वाकुल जिने ग्रह जिने नाथ महम यदे ओम रीम चतुष्षष्टी रुद्धिदारी महामणि राज चरण कमल में अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा शांति शांति धारा दिव्य परिपूज पुष्पांजलि क्षिपेत आइए जीवन भैया बोली ऋषभदेव भगवान की जय नवग्रह शांति कारक नव तीर्थंकर भगवान की जय बंधु सभी लोग यहाँ मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में बहुत आनंद ले रहे हैं आज इंदौर से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे हमारे भक्तजन आए और उन्होंने भगवान ऋषभदेव का भव्य महाभिषेक करके अनंत पुण्य का संचय किया। अनंत पुण्य का संचय करने का अवसर कभी कभी आता है। परीक्षा की तैयारी पूरे साल की जाती है, परीक्षा देने का वक्त एक दिन आता है और उसका रिजल्ट भी एक दिन आता है। आज हमारे बीच में 6 वर्ष के बाद इतना बड़ा महोत्सव आया है। आज हम इस महोत्सव को 6 वर्षीय महोत्सव मना रहे हैं। 30 जून तक की तारीख स्वामी जी ने दी है। 30 जून तक हम सब आनंद उल्लास खूब अर्जित कर सकते हैं। उसके बाद 10 जुलाई तक और एक्सटेंडेड डेट है, ठीक है 10 जुलाई तक और कर लेंगे, लेकिन उस 10 जुलाई के बाद जिसने नहीं किया है वो आने वाले 6 वर्षों का प्रतिदिन इंतजार करेगा। यदि उसके मन में है भावना कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति का अवसर प्राप्त हो और 2028 का वक्त फिर तब आएगा जब हमारी भावनाएं प्रबल होंगी, लेकिन वर्तमान को देखें तो आज हमारे सामने वक्त है, हमारे सामने आज अवसर है। हम सब ऐसे महामस्तकाभिषेक महोत्सव में या ऐसे महा महोत्सव में जो हमारी जैन समाज का इस सृष्टि पर सर्वोत्तम श्रेष्ठ ज्येष्ठ महोत्सव के रूप में आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। बंधुओं श्रवण बेलगुला का 12 साल में एक बार अभिषेक होता है और यहाँ पे 6 साल में माता जी ने यह अभिषेक की परंपरा को कायम किया है। तो ये हम सबका दायित्व बनता है अपने जीवन काल में जितनी बार तीर्थों की वंदना हो जाए, जितनी बार ऐसे महा जिनबिंबों का अभिषेक हो जाए, ये आवश्यक है, ये कम है, हमें इसे प्रयास करने चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि मानव जीवन का पल पल क्षण क्षण निकलना है, निकलना है और निकलना है।
हमारी आयु को बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, और एक दिन उस आयु का क्षय भी होना है, और वो सब कुछ हमारे गृहस्थ जीवन में हर प्रकार से बीतता है। हम सब देखते हैं कि कैसे हम अपने गृहस्थ जीवन के क्षण क्षण पल पर इतने आसानी से बिता देते हैं कि एक दिन और एक साल और 10 साल कैसे आगे बढ़ जाते हैं। इन मनुष्य जीवन के क्षणों में ये क्षण जब हम ऐसे वृहद आयोजन में आकर के हिस्सा बनते हैं, ऐसे बड़े महाजिनबिंब का अभिषेक करने का पुण्य अर्जित करते हैं, तो वो मानव जीवन की सार्थकता का दिन कहलाता है, सार्थकता के क्षण कहलाते हैं। तो बंधुओं, आज हम सबके बीच में ये अवसर है। स्वामी जी ने कल एक बात कही थी कि हम प्रतिदिन आए दिनों ऐसे आयोजन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जीवन 5 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा है ऐसे महोत्सव को करने में। हमने कहा कि स्वामी जी, जो लोग इसमें आकर के स्नान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पुण्य में अपने आप को जीवन को लगा रहे हैं, उनका जीवन कितना धन्य है, क्योंकि ऐसे आयोजन आप 10-20-30 दिन महीने भर करेंगे, लेकिन आपकी अपनी एक आर्थिक क्षमता भी होती है कि आपके पास कितना अर्थ है, कितना समाज से सहयोग मिलता है। हम ऐसे वृहद आयोजन का आनंद लेना चाहिए। क्यों भाई दीपक जी, शादी जब घर में होती है खूब आनंद लेते हैं, महीने 2 महीने तैयारियां की जाती हैं और शादी होती एक दिन की है, एक दिन में सारा आनंद जो है पूरा हो जाता है। अब आप उसमें 10-5 लाख खर्च करो या करोड़ खर्च करो, लेकिन आनंद एक दिन का रहता है। उसमें खूब आनंद ले लेते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं। ये समाज में शादी के समान, हमारे घर की शादी के समान, ये समाज का, धर्म का ये महामहोत्सव है। इस महामहोत्सव की महिमा को घर घर में समझना चाहिए और इस महोत्सव के लिए अपने घर से उठकर चल देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपको एक दिन इस महोत्सव का साक्षी अवश्य बनना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी आत्मा में ये संस्कार जाएं कि मैं भी इतने बड़े महाजिनबिंब का अभिषेक करके, देख के अपने घर को आया हूं, या मैंने जीवन में इसका अवसर प्राप्त किया है। मैं सोचता हूं कई बार, सुनील जी हमारे बैठे हैं, खारी बावरे दिल्ली से आए हैं, और हमारे कमल चंद जी जो इस मूर्ति निर्माण कमेटी के स्तंभ हैं, उनके सुपुत्र हैं, सुनील जी मैं कई बार सोचता हूं कि ये प्रतिमाओं का अभिषेक क्या हम घर में नहीं करते हैं? क्या हमारे घर में चैत्यालय नहीं है? क्या हमारे मोहल्ले में चैत्यालय नहीं है? क्या हम वहां अभिषेक करके पुण्य अर्जित नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे घर के, मोहल्ले के मंदिर में अभिषेक करने का पुण्य और यहाँ के पुण्य का अंतर है क्या? ऐसी क्या आवश्यकता है कि हम इतने बड़े दूर यहाँ आकर के भगवान का अभिषेक करें? लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, चीज आकार में जितनी बड़ी होगी उतना आनंद देगी, उतनी पवित्रता देगी। 2 इंच की अरहंत प्रतिमा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की 108 इंच की है, लेकिन 108 इंच के महाजिनबिंब में जो शक्ति आप उस जिनबिंब से अर्जित कर सकते हैं, जो पुण्य अपने जीवन में उस जिनबिंब से अर्जित कर सकते हैं, वो एक सामान्य मंदिर के जिनबिंब से अर्जित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह जिनबिंब, ये महाकार्य, ये अतिशयकारी होते हैं, चमत्कार से जन्म लेते हैं। आप अपने घर में 5 इंच 8 इंच मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान कर सकते हैं बनवा करके, लेकिन ऐसे बड़े बड़े कार्यों को करने का एक योग अलग ही होता है, जो सदियों में मिलता है। और माता जी जैसी महासाधी का, महान आत्मा जब जन्म लेती है, तब ऐसे समाज को उपलब्धि प्राप्त होती है। अन्यथा तो मंदिर बहुत हैं, मूर्तियां बहुत हैं, लेकिन वहां किसकी साधना का चमत्कार दिखता है? वहां कौन प्रकट हुआ है? इतने हजारों फीट की ऊंचाई पर, पहाड़ पर 108 फीट की प्रतिमा बन जाना, आज हमारे जैनत्व की शान, हजारों करोड़ों लाखों वर्षों के लिए हमारा जैन धर्म सुरक्षित हुआ है, हमारी जैन संस्कृति सुरक्षित हुई है, हमारा दिगंबरत्व सुरक्षित हुआ है। हमारे नग्न मुनि यदि इस सड़क पर, मोहल्ले में, गली में विहार करते हैं, तो उन्हें इस बात का संकेत हमारी ये प्रतिमा देती है कि हमारी परंपरा में नग्न दिगंबर मुनि होकर के तपस्या करने का प्रावधान हमारा आगम कहता है। आप संविधान के सामने,
शासन के सामने, प्रशासन के सामने सब प्रमाण खड़े होते हैं कि हमारे ऐसे तीर्थंकरों की ये परंपरा है जिनकी प्रतिमाओं के रूप में आज तक हम उन्हें पूजते हैं और आज हमारे जीवंत स्वरूप में ये तीर्थंकर के लघुनंदन हमारे मुनिराज होते हैं जो नग्न दिगंबर होकर के तपस्या करके हमारे पूरे धरातल पर जैन धर्म की अहिंसा की प्रभावना करते हैं, तपस्या का गुणगान करते हैं, बताते हैं कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो बंधुओं, ऐसे महाजन्मिम के दर्शन अपने जीवन में अवश्य कीजिए और ये दर्शन के साथ में जब 6 वर्ष जैसे ऐसे महामस्काभिषेक महोत्सव का आयोजन हो तो घर से कभी रुकिए मत, निकल जाइए, चाहे बस में बैठकर आना पड़े लेकिन आइए ना, हवाई जहाज का पैसा हो कोई बात नहीं, ट्रेन का टिकट ना मिले कोई बात नहीं, बस से आइए, श्रम करके आइए, परिश्रम करके आइए, थक के आइए, लेकिन भगवान के ऊपर महामस्काभिषेक का अवसर अवश्य प्राप्त करिए, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे बीच में प्रतिष्ठाचार्य दीपक कुमार जी, दीपक जी उपाध्याय, आज 24 विधान का यहाँ आयोजन कर रहे हैं, प्रतिदिन 1 विधान का आयोजन होता है, ऐसे प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी आइए, उनसे निवेदन है इस विधान की कड़ी को आप आगे बढ़ाएं और हमारे बीच में अनेक भक्त जन, हमारे इंद्र नानी आदि यहाँ विधान में संलग्न हो रहे हैं, सभी के लिए खूब खूब अनुमोदना और सब आने का मन बनाएं, भगवान के दर्शन करें, ऐसे महाजन्मिम का दर्शन हमारी दृष्टि से जब हमारी आत्मा में पहुँचेगा निश्चित रूप से हमारी आत्मा अनंत गुणा पवित्र होगी। आइए विधान को आगे बढ़ाते हैं, एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए, ये जयकारा हस्तिनापुर तक जाना चाहिए, माता जी को सुनाई। 4th दिन है आज, हम जब पहाड़ पर गए थे तो 2016 मेरी आंखों के सामने आ गए और जिस दिन प्रतिमा बनी थी और माता जी ने उस प्रतिमा का दर्शन किया था, जब एक छोटा बच्चा बालक हट करता है किसी चीज के लिए और उसको वो चीज़ मिल जाती है तो उसका आनंद द्विगुणित होता है, वो रोना बंद करता है। लेकिन जब माता जी ने इस प्रतिमा को देखा, हमने देखा है नज़दीक से, माता जी की आँखों से आनंद के आंसू छलक रहे थे वहाँ पर और इतने प्यार से उस चरण को माता जी ने पकड़ा था, वो क्षण आज भी हमारे दिल में है। जैसे ही मैंने अभिषेक करके आज नीचे आए हम, तो रूम में मुझे बैठाने गया जीवन जी, आज मैंने जीवन में पहली बार एक भक्ति गीत लिखा है, वो भी माता जी के बारे में, तो आप सुनिए और उसके बाद माता जी के चरण में अर्घ्य समर्पित करते हैं। हम यहाँ पर विधान प्रारंभ करेंगे। वो माता जी है जो हमें रोज 12 महीने 6:15 सुबह जिनवाणी सुनवाती है। वो माताजी है जिन्होंने साधु दिगंबर संप्रदाय के जितने भी साधु हैं उन साधु में से भी सर्वोच्च कार्य किया है, सभी तीर्थंकरों के जन्म स्थल को उभारा है। वो दिगंबर जैन साध्वी है कि जिन्होंने ऐसी माताजी हमें दी है और ऐसे माताजी ने हमें दिगंबर संप्रदाय के कुंद कुंद से लेकर जितने भी शास्त्र है आज तक हमारे सामने एक साक्षात सरस्वती रूपा हमें दी है। ऐसी माता जी के चरणों में बस मैं एक 4 पंक्ति समर्पित करना चाहता हूँ, उसके बाद जीवन भैया आप अर्घ्य चढ़ाइए, यहीं से हम हस्तिनापुर पहुँचे। पहाड़ों में तरसा इस प्रतिमा की रेखा, 108 फीट की प्रतिमा प्रकट हुई इस जगमा, समझन आया तेरी भक्ति तेरी शक्ति माता, आज इसी मोहोत्सव आपकी कमी सताती माता। हो तूने तो पहाड़ों में तरसा इस प्रतिमा की रेखा, 108 की प्रतिमा देखो प्रकट हुई इस जगमा, समझ न आया तेरी भक्ति तेरी शक्ति माता,
आज इसी मोहस में आपकी कमी सताती माता, सभी भक्तों पर माँ कृपा बरसा दो माँ, सभी भक्तों पर माँ कृपा बरसा दो माँ, बहुत याद आ रहा है हाय, बहुत याद आ रहा है ये मोहसो में आता हो गननी माँ, गननी माँ हो गननी माँ, गननी अरिहंतों की वाणी झेले होते गणधर अकेले। ध्यान से सुनना, हमारी माताजी ऐसी माताजी नहीं है, गणधरों की वाणी हम तक पहुंचाती है। ध्यान से सुनना शब्दों को, अरिहंतों की वाणी झेले होते गणधर अकेले, तूने तो इस वाणी को माँ सहज तरह से झेले, आगम की तू ज्ञाता है जैन धर्म की शान, शांति सागर की शीशा तू देती घर घर ज्ञान। ओ अरिहंतों की वाणी झेले होते गणधर अकेले, तूने तो इस वाणी को माँ सहज तरह से झेले, आगम की तू ज्ञाता है जैन धर्म की शान, शांति सागर की शीशा तू देती घर घर ज्ञान, कहो जिनवाणी माता ज्ञान की बहती साता, कहो जिनवाणी माता ज्ञान की बहती साता, बहुत याद आ रहा है हो, बहुत याद आ रहा है ये मोहसम में आ, हो गननी माँ गननी माँ, ओ गननी माँ गननी माँ। सारे जिनवर के जन्मस्थल तूने किए उजाला, हस्तिनापुर से अयोध्या है तेरा सपना माता, मांगी तूंगी की पुकार है कण कण आओ माता। ध्यान से सुनना, मांगी तूंगी की पुकार है कण कण आओ माता, ऋषभपुरम में फिर से आओ आस लगाता माता, सारी जिनवर के जन्मस्थल तूने किया उजाला, हस्तिनापुर से अयोध्या तेरा सपना हो सच्चा, मांगी तूंगी की पुकार है कण कण आओ माता, ऋषभपुरम में फिर से आओ आस लगाता माता, मेरा सपना रहा है भक्त ये पुकार रहा है, मेरा ये सपना है ये भक्त तेरा पुकारे, बहुत याद आ रहा है हो, बहुत याद आ रहा है ये मोहसम पर आता हो गननी माँ गननी माँ, हो गननी माँ गननी माँ। कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं,
अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते गए। युक्ति पहले ज्ञान मटे के चरणों में अभिवंदने, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन में पावन। मेरा दिल खो गया है, भक्तिमय हो गया है, मेरा दिल खो गया है, भक्तिमय हो गया है, जाग उठी भक्ति मेरी, हाय जाग उठी भक्ति मेरी, आया दर पे तेरे माँ, ओ गणनी माँ, गणनी माँ, ओ गणनी माँ, गणनी माँ। पूज्य माता जी की दया के चढ़ाने के लिए हमारे बीच में आज प्रतिदिन कोई न कोई श्रेष्ठी भक्त, गुरु भक्त, भगवान के भक्त यहाँ पधार रहे हैं। आज हमारे बीच में कल के अभिषेक के लिए प्रकाशन जी जैन लाडनू वाले, हमारे श्याम सुंदर जी जैन, ये पूरा लाडनू का परिवार है, अग्रवाल जैन कटक के हैं, हमारे सुनील जी जैन जो कमलचंद जी खारी बावली दिल्ली के सुपुत्र हैं, इनके भी भाई रवि वगैरह सब लोग आए हैं। तो ऐसे सभी मिलजुल करके आइए, पूज्य माता जी के चरणों में यहाँ चित्र के समक्ष अर्घ समर्पित करते हैं। चलिए अब हमारे दीपक जी ने जो एक गीत बनाया है, मैं समझता हूँ उनके अंतर मन में आंसू द्रवित हो चुके हैं, उनको फील हो रहा है कि काश आज यहाँ ज्ञानमती माता जी होती एक बार उनके साथ में। ये देखिए ऐसा होता है, आपकी सबकी अपनी सबकी यही भावना है, लेकिन उस भावना को यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए कुछ शब्दों में जो आपने दीपक जी ने यहाँ पर हम सबके सामने वो अपनी भावना व्यक्त की, वो निश्चित ही बहुत अच्छी भावना है, भावों को द्रवित करने वाली भावनाएं, हम सबकी मंगल भावनाएं। माता जी भी वहाँ बैठकर आंसू ही बहाती हैं कि काश मैं वहाँ होती, लेकिन आज दीपक जी ने जो माता जी के प्रति भक्ति समर्पित की उसकी हम सराहना करते हैं। प्रमुख कारिका शिरोमणि 108 फीट के विश्व वंदनीय ऋषभ देव भगवान की निर्मिति एवं आशीर्वाद प्रदाता परम पूज्य माता जी के चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा। बोले गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, प्रज्ञा शिरोमणि आरिका चंदनामती माता जी की, परम पूज्य सस्ती श्री रविंद्र कीर्ति जी महास्वामी जी की जय हो। चले अब आज का विधान ये प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन जी, 24 तीर्थंकर की पूजा प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 3 निकालिए। पुरुदेव आदि 24 तीर्थंकर धर्म तीर्थ कर तार हुए, इस जम्बु दीप में भरत क्षेत्र के आर्य खंड में नाथ हुए, मूर्ति वधु परमेश्वर का हम भक्ति से आह्वान करे, इनके चरणाम मुझको जचते पव भव दुखो के हानि करे। ओम रेम श्री ऋषभ देवादि चतुर्ंश तीर्थंकर समूह अत्र अवतर अवतर सर्वषट आह्वाननम जय हो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापनम जय हो, अत्र मम सन्नितो भव षट सन्नदीकरणम जय हो। हे नाथ मेरी ज्ञान सरिता पूर्ण भर दीजे अबे, हेतु जल से आपके पद कमल को पूजे बे, गर्दनेश्वर की करू मैं अर्चना, इन पूजे तेरे सौ के पाओ करियम के तर्जना। ओम रेम ऋषभादि देवादि चतुर्ंश तीर्थंकर समूह जलम जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा, आत्म में संपूर्ण शीतल सलिल धारा पूरिए, तुम चरण युगल सरोज में चंदन चढ़ाओ इसलिए, 24 तीर्थंकर जिनेश्वर की करो मैं अर्चना, इन पूजते निज सौख्य पाओ करो यम की तर्जना। ओम रेम ऋषभ देवादि चतुर्ंशति तीर्थंकरेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति, अक्षय अखंडित सौख्य निधि भंडार भर दीजे प्रभु, इस हेतु अक्षत पुंज से मैं पूजवो तुम पद विभो, 24 तीर्थंकर जिनेश्वर की करू मैं अर्चना, इन पूजते निज सौख्य पाओ करू यम की तर्जना।
ओम रीम श्री ऋषभ देवादि चतुर्ंश तीर्थंकरभ्यो अखंड क्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति मुझ आत्म गुण सौगंध सागर पूर्ण भर दीजे प्रभु इस हेतु में सुरभित सुमन ले पूजो तम पद विभो चौबीस तीर्थंकर जिनेश्वर की करूं मैं अर्चना इन पूज दीन जसों के पाऊं करूं यम की तर्जना ओम रीम श्री ऋषभ देवादि चतुर्ंश तीर्थंकरभ्यो कांबान विद्मोष्णाय पुष्पम निरूपामिति मेरी करो परिपूर्ण तृप्ति आत्म सुख पीयूष से अपने वेद्य से पूजो चरण युग भक्ति से चौबीस तीर्थंकर जिनेश्वर की करूं मैं अर्चना इन पूजते निज सुख पाऊं करूं यम की तर्जना ओम रीम से ऋषभ देवादि चतुर्ंश तीर्थंकरभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति प्रभु ज्ञान ज्योति मुज हृदय में पूर्ण भर दीजे अबे मैं आरती रुचि से करूं अज्ञान तम दुर्दय बगे चौबीस तीर्थंकर जिनेश्वर की करूं मैं अर्चना इन पूजते निज सुख पाऊं करूं यम की तर्जना ओम रीम से ऋषभ देवादि चतुर्ंश तीर्थंकरभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति मुझ आत्म यश सौरभ गगन में व्याप्त कर दीजे प्रभु इस हेतु के वो धूप में कंठ कर्म बस कर वर विभो चौबीस तीर्थंकर जिनेश्वर की करूं मैं अर्चना इन पूजते निज सुख पाऊं करूं यम की तर्जना ओम रीम श्री ऋषभ देवादि चतुर्ंश तीर्थंकरभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरूपामिति निज आत्म गुण संपत्ति को अब पूर्ण भर दीजे प्रभु इस हेतु फल को मैं चढ़ाऊं आपके संगीत विभो चौबीस तीर्थंकर जिनेश्वर की करूं मैं अर्चना इन पूज दीन जसों